पश्चिमी बंगाल में भले ही अभी तक चुनाव का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ में भाजपा के दिग्गजों का पगफेरा जबरदस्त लगा हुआ है। किसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ममता दीदी को ललकारते हैं तो किसी दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। मौजूदा वक्त में पूरा बंगाल बैनर, पोस्टर और लाउडस्पीकर से अटा हुआ पड़ा है, लेकिन इन सब के बीच असली चुनाव तो सोशल मीडिया के जरिए लड़ा जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले ही सभी सियासी पार्टियों और रहनुमाओं ने सोशल मीडिया के जरिए ताल ठोकना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया कैंपेनिंग के लिए सियासी पार्टियां पैसों को पानी की तरह बहा रही है। इसकी तस्दीक कुछ आंकड़े भी करते हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर से अब तक करीब 3 करोड़ रुपए के विज्ञापन सिर्फ बंगाल से जुड़े फेसबुक पेज पर दिए जा चुके हैं। इसमें पिछले 3 महीने में ममता बनर्जी के समर्थन और मोदी विरोधी फेसबुक पेज पर विज्ञापनों की रफ्तार तेज कर दी गई है। हालांकि सबसे दिलचस्प यह भी है कि सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला शब्द बीजेपी है। दरअसल फेसबुक एड लाइब्रेरी के आंकड़ों के मुताबिक 20 नवंबर से 17 फरवरी 2021 के दौरान फेसबुक विज्ञापन के मामले में पश्चिमी बंगाल टॉप पर रहा। यही नहीं, इस खर्च में राजनीतिक दल ही सबसे ऊपर हैं। 3 महीनों में ममता समर्थक पेज बांग्लार गौरव ममता के करीब 96 लाख रुपए खर्च कर विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा ने भी इससे मुकाबले के लिए खास चुनावी फेसबुक पेज बनाए हैं। इसके तहत अमार परिवार बीजेपी परिवार में 33 लाख रुपए की रकम खर्च की जा रही है। साथ ही एक और भाजपा समर्थित पेज आर नोई अत्राय के जरिए भी करीब 30 लाख रुपए का खर्च किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से 3 महीने के भीतर खर्च के नए आंकड़े अभी दिखने शुरू नहीं हुए हैं। पश्चिमी बंगाल में भाजपा विरोधी पेजों पर भी खर्च के मामले में तेजी देखी जा रही है। व्यंग्यात्मक लहजे में पोस्ट करने के नाम पर बने पेज खोटी कारोक मोदी पर पिछले 3 महीने में 51 लाख रुपए से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च किए जा चुके हैं। पिछले 3 महीने में फेसबुक विज्ञापनों पर खर्चा बढ़ा है। फरवरी 2019 से अब तक कुल खर्च में से आधा सिर्फ 3 महीने में ही हुआ है। 2 साल में फेसबुक पर 87.4 करोड़ रुपए खर्च कर 6 लाख से ज्यादा विज्ञापन दिए जा चुके हैं। पिछले 2 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो वैसे तो भाजपा ही सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टी है। भाजपा ने 4.6 करोड़ रुपए खर्च कर 2680 विज्ञापन दिए हैं, लेकिन बंगाल चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी के समर्थन में चलाए जा रहे पेज बांग्लार गौरवो ममता नाम का पेज भी पीछे नहीं है। यहां 2 साल में 2.1 करोड़ रुपए खर्च कर 1378 विज्ञापन दिए गए हैं। सर्च के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। 1 हफ्ते में इसे 50,000 से ज्यादा बार सर्च किया गया है। वहीं टॉप 5 दूसरे और तीसरे नंबर पर लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग और रियल एस्टेट सर्च करते हैं। इसके बाद 4थे और 5वें पायदान पर नरेंद्र मोदी और मोदी शब्द सर्च के मामले में आगे है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में चुनाव पूरी तरह से डिजिटल तरीके से लड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसमें भाजपा बेहद आगे नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस यहां भी फिसड्डी ही रह गई है। हालांकि ममता बनर्जी की टीएमसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लिहाजा मुकाबला बेहद दिलचस्प है। ऐसे में नतीजों के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।